हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ना केवल उसकी खुशी बल्कि उसके पति या फिर परिवारजन सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब भी बात होती है प्रेगनेंसी को कंप्लीट करने की तो माता पिता के मन में एक सवाल जरूर होता है कि क्या हमारा बच्चा नॉर्मल होगा। आइए जानते हैं कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि शिशु नॉर्मल है या नहीं। पॉइंट नंबर वन, जब भी आपकी डिलीवरी होगी तो क्या आपने बच्चे को रोते हुए सुना है? जी हाँ, जब भी बच्चा डिलीवरी के बाद पहली बार दुनिया के अंदर आता है तो वह दुनिया के अंदर आते के साथ ही रोना शुरू कर देता है। इसका कारण यह होता है कि वो पहली बार खुली हवा में सांस ले पाता है और उसकी धड़कनें तब से ही चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पेट के अंदर वो अपनी माँ की धड़कनों के सहारे जीता है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया के अंदर आता है तो उसका दिल पहली बार धड़कना शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी ऐसा होता है तो बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही रोना शुरू कर देता है। लेकिन यदि अगर वो किसी वजह से नहीं रोता है तो डॉक्टर उसकी पीठ थपथपाकर उसे रुलाते हैं। पॉइंट नंबर टू, बच्चों के हाथ पैरों की उंगलियों को सही तरीके से देखना। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि दादी नानी अपने पोती या फिर नाती की उंगलियों को बहुत ज्यादा गौर से देखती हैं कि कहीं वो कम या ज्यादा तो नहीं है। ऐसा करने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चे में कोई शारीरिक दोष तो नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, आई बॉल मूवमेंट। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनकी आंखों की पुतलियां ठीक तरीके से विकसित नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक बच्चों की आंखें बंद ही रहती हैं। लेकिन जैसे ही आपका नवजात शिशु अपनी आंखें खोले तो आप अपनी उंगली की सहायता से उसकी नजरों को चेक कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की आंखों के साथ अपनी उंगलियों को नचा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनकी आई बॉल मूवमेंट कितनी तेज है। पॉइंट नंबर फोर है सुनने की क्षमता। कई माता पिता को ऐसा लगता है कि क्या उनका बच्चा अब नॉर्मल या फिर सुनने में असक्षम तो नहीं है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो जब आपका बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो तो आप उसके कान के आसपास तालियां बजा सकते हैं, लाउड म्यूजिक चला सकते हैं या फिर जोर से किसी को आवाज लगा सकते हैं। अगर आपका बच्चा जग जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा नॉर्मल है। तो दोस्तों, आप इन सारे तरीकों से चेक कर सकते हैं कि आपका शिशु नॉर्मल है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।